हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं उस खबर के बारे में जिसे सुनने के लिए एमसीयू फैंस के कान तरस गए थे। तो फाइनली क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि डिज्नी और फॉक्स की डील हो गई है, यानी अब एक्समैन और फैंटास्टिक फोर जैसे सभी कैरेक्टर्स एमसीयू में वापस जाएंगे। लेकिन इस बात की कंफर्मेशन नहीं की गई थी कि सच में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एमसीयू के यूनिवर्स को ज्वाइन करेगा या नहीं। लेकिन अब डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एमसीयू के यूनिवर्स में जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी है कि एमसीयू की तरफ से कोई अलग यूनिवर्स नहीं बनाया जाएगा एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के लिए। ये सभी एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि फैंस तैयार हो जाओ, हमें एमसीयू के यूनिवर्स में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर कंफर्म नजर आने वाले हैं। यानी इसकी प्लानिंग काफी पहले कर ली गई थी, इसलिए स्पाइडरमैन होमकमिंग फिल्म में टोनी स्टार्क ने अपनी बिल्डिंग अवेंजर्स टावर को बेच दिया। किसे, वो बात आगे ही पता चलने वाली है कि उस बिल्डिंग को असल में किसने खरीदा है। और साथ ही साथ बॉब आइगर से ये भी पूछा गया कि एमसीयू के यूनिवर्स का हिस्सा डेडपूल होगा या नहीं, तो उस बारे में बॉब आइगर ने कुछ इस तरीके से कहा कि हाँ या ना। जी हाँ, ये शब्द बॉब आइगर के थे और उन्होंने इसके आगे ये लगाया कि ये बात तो केविन को ही पता होगी, क्योंकि एमसीयू के अंदर जो भी कुछ होगा उसकी सारी डिटेल केविन फैगी के पास ही होगी, क्योंकि वही एमसीयू के मास्टरमाइंड है और केविन फैगी को ही पता है कि एमसीयू के यूनिवर्स को आगे कैसे लेकर जाना है। लेकिन मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एमसीयू के यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है और वो लोग जल्द ही एमसीयू के यूनिवर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। वेल, तो मुझे लगता है बॉब आइगर की इस बात से काफी एमसीयू फैंस को अब राहत मिल गई होगी कि फाइनली एक्समैन और फैंटास्टिक फोर अब एमसीयू में आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर अंदाजा लगाया जाए कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एमसीयू में हमें कब दिखाए जाएंगे, तो मैं कहता हूँ 2020 से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। यानी फेज फोर में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स को लेकर कुछ बड़ा किया जा रहा है, जिस बात को अब तक एमसीयू के सारे फैंस से छुपाया गया है। यानी ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है एमसीयू फैंस के लिए। तो अब वेट कीजिए इस बड़े सरप्राइज के लिए कि हमें क्या अलग देखने मिलने वाला है फेज फोर में। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी क्या राय है इन सभी बातों को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी अपडेट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।